please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हमारे तीनों ही एक्सपर्ट आपको बताएंगे तीन तीन स्टॉक्स जो उनको पसंद हैं और तीन तीन स्टॉक्स जिनको उनको लगता है कि हो गई रैली जितनी होनी थी अब एक बार उनमें से निकल जाना चाहिए. तो शुरुआत अविनाश जी से करते हैं. अविनाश जी बताइए क्या खरीदना चाहेंगे और एट द सेम टाइम क्या निकालना चाहेंगे. हेमंत, खरीदने की बात करेंगे तो हमको ऑटो कंपोनेंट में भारत फौज पसंद है. इनफैक्ट भारत फौज का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. कल कंपनी के नतीजे आ गए और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आया है और आगे भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग है. इनफैक्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कहा है कि बोर्ड टॉप लाइन एज वेल एज इबिटा ग्रोथ पे ये कम से कम एक दो क्वार्टर्स और FY19 में भी ग्रोथ मेंटेन करेंगे. तो हमको लग रहा है कि क्लास ए ट्रक्स की वॉल्यूम प्लस कमर्शियल व्हीकल्स का जो ग्रोथ मोमेंटम है ये कंपनी को बहुत अच्छी तरह से अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री FY18 और FY19 में दिखाने की कोशिश करेगा. और अगले 12 महीने में हमको लग रहा है कि ये स्टॉक में अगर कोई निवेशक इस लेवल से भी खरीदता है तो कम से कम 950 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है. इसके अगेंस्ट हमको लग रहा है कि भारतीय एयरटेल में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी प्राइस चल रही है और आगे 12 मंथ्स का आउटलुक है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी टेलीकॉम मार्केट में और भी बढ़ेगी. रिलायंस जियो के आने के बाद तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है लेकिन जिस प्रकार की टैरिफ वॉर हम आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में देखेंगे मार्जिन प्रेशर और बढ़ेगा और आरपूस प्रेशर में रहेंगे. तो यहां से निकलने की ही राय रहेगी और भारत फौज में इन्वेस्टेड की राय रहेगी. ऑलराइट, तो भारत फौज खरीदिए. बहुत ही शानदार नंबर्स आए, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी और ऐसे कमजोर बाजार में ये शेयर 52 हफ्तों के नए नए उच्चतम स्तर लगाता जा रहा है. हिमांग आप बताइए क्या खरीदना चाहेंगे बताइए और उसके साथ साथ क्या निकालना चाहेंगे पोर्टफोलियो से. सबसे पहले हम खरीदना चाहेंगे UPL को. हमारा जो मेन खरीदने का रीज़न है वो ये है कि ये जो कंपनी के स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर और जिनके क्वार्टरली नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे आए हैं और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी हुई है वो भी काफ़ी उत्साहजनक है. तो ये स्टॉक्स में हम डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो ब्लू चिप क्वालिटी के स्टॉक्स है. तो हमारा सबसे पहला स्टॉक UPL रहेगा. हम समझते हैं कि इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस इतना शानदार नहीं था पर मैनेजमेंट ने अपनी जो गाइडेंस है वो 8-10% ग्रोथ की दी हुई है और हम मानते हैं कि ग्लोबली एग्रोकेमिकल एज अ स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगले 12 महीनों के अंदर. और इसके अंदर उन्होंने जो अपनी गाइडेंस की भी मार्जिन की भी जो गाइडेंस दी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी है. तो UPL को हम डेफिनेटली खरीदना चाहेंगे और उसके सामने थर्मैक्स हम बेचना पसंद करेंगे क्योंकि थर्मैक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है और जो पूरी कैपेक्स की रिवाइवल की हम बात जो कर रहे हैं वो अभी भी कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई बड़े इंडिकेशंस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं. तो थर्मैक्स वैल्यूएशन वाइज भी महंगा है, उसकी जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी और हमारी जो टारगेट प्राइस है उसमें भी हम मानते हैं कि करंट भाव से ज़्यादा पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो ये एक हमारा जो बाय और सेल का जो आइडिया है वो हम डेफिनेटली यू नो फॉलो करना चाहेंगे. कुल लाभ संदीप जी आप बताइए क्या लें क्या बेचें.